हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। ओके, आज हम फिर से क्वेश्चन करेंगे सोम सोम के, जो कि SSC JEE में आ चुके हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन सेज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉडी सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल फोर्स इन टर्म्स ऑफ लीनियर स्ट्रेन थीटा एंड पॉइजन रेशियो म्यू इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मतलब ये पूछ रहा है, ये भी क्या है देखते हैं। एक रेक्टेंगुलर बॉडी को ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ। दिस इज रेक्टेंगुलर बॉडी एंड अब मान लेते हैं इस पे फोर्स लग रहा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ईवी इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। मतलब तीनों डायरेक्शन में हमें स्ट्रेन निकालना है और ऐड करना है बस। तो ई एक्स कितना होगा? कुछ नहीं, हुक्स लॉ से सिग्मा एक्स अपन ई। ई वाई कितना होगा? ई वाई कुछ नहीं, हुक लॉ से सिग्मा वाई अपॉन ई। बट अगर हम एक्स डायरेक्शन की बात करें, एक्सेल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ये हमारा लेटरल हो जाएगा, इसलिए म्यू। सिमिलरली ई जेड कितना आ जाएगा? माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई। और सिंपली हमको क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। इन सबको क्या करना है? जोड़ देना है। देखते हैं, इनकेस अगर सिग्मा एक्स बराबर है सिग्मा वाई के, तो वो बराबर है सिग्मा जेड के, ये सब बराबर है सिग्मा के, तो ये भी क्या हो जाएगी? सिग्मा वाई ई इंटू वन माइनस टू यू सिग्मा बाई ई स्ट्रेन है। बट क्वेश्चन में स्ट्रेन को थीटा से डिनोट करने बोला है, इसलिए ये हो जाएगा ना सही जवाब। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम विथ अ लोड एट मिड स्पैन इज
का मतलब एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ऐसे, और ये बिल्कुल मिड स्ट्रेंथ है, लोडेड है कुछ ऐसे, ठीक बीच में है। मान लेते हैं W, तो वो सिंपली सपोर्ट है, तो यहाँ रिएक्शन लगेगा, यहाँ भी रिएक्शन लगेगा। मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये मिड पॉइंट है C, रिएक्शन लगेगा आर ए, यहाँ पे आर बी, और क्या होगा, सिमेट्री से आर ए बराबर आर बी बराबर डब्ल्यू बाई टू। सिमेट्री का मतलब लोड ठीक बीच में लग रहा है, और ये जो रिएक्शन है इस लोड से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसलिए सिमेट्री से आधा ये हो जाएगा आधा। वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस करेंगे, अगर समेशन ऑफ फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, तो हमें मिल जाएगा आसानी से आर ए इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू। ओके, अब हमें निकालना था मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, तो देखते हैं। ये हमारा बीम था, मिड सेंटर लोड था, ये है आर ए, ये है आर बी जो कि डब्ल्यू टू के बराबर है दोनों ही। हम यहाँ पे एक सेक्शन कंसिडर करते हैं जिसकी डिस्टेंस इस एंड से एक्स है, तो इस एक्स एक्स पे मोमेंट कितना होगा, सेक्शन एक्स एक्स पे मोमेंट कितना होगा, मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मोमेंट होता है फोर्स, तो फोर्स कौन सा लेंगे हम लोग, ये वाला फोर्स होगा हमारा सेक्शन के दाई तरफ वाले फोर्सेस को ले रहे हैं, तो आर बी मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस एक्स, आर बी मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस एक्स, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो ये हॉगिंग पैदा कर रहा है, मतलब इस बीम को ये ऐसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव। अरबी की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स, मतलब लीनियर वेरिएशन हो रहा है मोमेंट में। ओके, पॉइंट बी पे एक्स बराबर जीरो, तो मोमेंट इसमें एक्स बराबर जीरो पुट करेंगे तो मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। बी पे मोमेंट जीरो है और लीनियर वेरिएशन है, एक्स का पावर सिंगल है, इसका मतलब लीनियर वेरिएशन है, लीनियर वेरिएशन। तो कुछ मोमेंट हमारा इस प्रकार मिलेगा, और यहां पे जीरो होगा, और हम एक्स की जगह पे एल बाई टू पुट करें, मतलब मिड पॉइंट का एट सी, एक्स बराबर एल बाई टू, तो एम सी कितना निकल के आएगा, एल बाई टू, तो डब्ल्यू एल बाई फोर, डब्ल्यू एल बाई फोर,
फिर से ए पे भी जीरो होगा, ये सी ये है, ये ट्रायंगुलर वेरिएशन है। ट्रायंगुलर वेरिएशन तो बेंडिंग ऑन डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम हमने निकाला है, हमें उसकी वैसे खास जरूरत नहीं थी निकालने की, पर हमने देख लिया तो अच्छा ही है। अगर सिंगल डिग्री का है तो उसे स्ट्रेट लाइन बनता है और रेक्टेंगुलर वेरिएशन होगा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एट द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, कंट्राफ्लेक्चर के पॉइंट पे क्या होता है? शियर फोर्स चेंजेज इट्स बिहेवियर, बेंडिंग मोमेंट चेंजेज इट्स बिहेवियर, शियर फोर्स इज मैक्सिमम, शियर फोर्स इज मिनिमम। तो सी डी तो होंगे नहीं, बेंडिंग मोमेंट चेंजेज इट्स बिहेवियर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर वो पॉइंट होता है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव होता है या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, बेंडिंग मोमेंट चेंजेज इट्स बिहेवियर। 35, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग लोड एट सेंटर बेंडिंग मोमेंट विल बी, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ठीक वही के जो हमने पीछे देखा था, अभी बीच पे लोड है, सिंपली सपोर्टेड है तो रिएक्शन लगेंगे यहाँ पे। तो बेंडिंग मोमेंट के बारे में कौन सा सही है? मिनिमम एट सपोर्ट, सपोर्ट पे मिनिमम होगा, सही लग रहा है। मिनिमम एट सेंटर, गलत जवाब, यहाँ पे मैक्सिमम होता है। सी, मैक्सिमम एट सपोर्ट, गलत जवाब। नन ऑफ द एबव, गलत जवाब। सही ऑप्शन तो है ही ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द शियर फोर्स एट सर्टन सेक्शन ऑफ अ बीम इज स्टेटेड टू बी जीरो। एक बीम है, इसको कोई सेक्शन लेते हैं एक्स एक्स, यहाँ पे शियर फोर्स जीरो है, एस एक्स इज इक्वल टू जीरो। बेंडिंग मोमेंट एट दैट सेक्शन विल बी, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? तो ध्यान से देखेंगे एक बात, बेंडिंग मोमेंट डी एम अपॉन डी एफ इज इक्वल टू होता है एस एक्स। अब एस एक्स तो जीरो है का मतलब डी एम अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो आपको नहीं लगता ये कंडीशन है एम के मैक्सिमम या फिर मिनिमम होने की? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो एम मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। यहाँ पे क्या है? देवर ऑप्शन सी, ईदर मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब या तो मिनिमम हो सकता है या फिर मैक्सिमम भी हो सकता है। नाउ द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैंटिलीवर बीम लोडेड एज शोन विल बी। ये एक बीम दिया गया है और कैंटिलीवर यहाँ पर लोडिंग दी गई है, तो बोल रहा है कि स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी। ओके, तो इसको तो वैसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं, बट मैं इसी बता देता हूँ, आप लोग याद रखेंगे इसको। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पी स्क्वायर एल की ओपन सिक्स ई आई। कैसे होगा देख लेते हैं जैसा। ओके, थोड़ा सा ये है बीम, सपोर्ट शियर सपोर्ट, यहाँ पे एक लोड, लोड है पी। तो हम निकालते हैं, मान से एक सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ मैं एक्स एक्स, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से है एक्स, और हमें पता है जो स्ट्रेन एनर्जी होती है, स्ट्रेन एनर्जी होती है इंटीग्रेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर टू ई आई डी एक्स टोटल लेंथ से जीरो टू एल स्ट्रेन एनर्जी। अगर तो मोमेंट निकालते हैं यहाँ पे एम एक्स कितना होगा सेक्शन एक्स एक्स पे, पी मल्टीप्लाइड बाई एक्स, बट ये हॉगिंग पैदा कर रहा है तो नेगेटिव होगा पी डॉट एक्स,
मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ, क्या मिलेगा हमें? स्ट्रेंथ एनर्जी इक्वल टू जीरो टू एल माइनस पी डॉट एक्स का होल स्क्वायर टू ई आई डी एक्स। पी तो कॉन्स्टेंट है तो बाहर जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई थ्री, पी स्क्वायर बाहर टू ई आई कॉन्स्टेंट है सब बाहर जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई थ्री जीरो टू एल। लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो गया पी स्क्वायर अपन टू ई आई मल्टीप्लाइड बाई एल की बाई थ्री, जो कि हो जाएगा पी स्क्वायर एल क्यू अपॉन सिक्स ई आई। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, किस ऑप्शन में है ये? ऑप्शन डी। आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। ओके नेक्स्ट 38। सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ डब्ल्यू के जी फोर्स पर यूनिट लेंथ ओवर द होल स्पैन, द शियर फोर्स एट द सेंटर इज, सेंटर पे शियर फोर्स कितना होगा? तो एक बार इसको भी हम लोग ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। ओके ड्राइव में एक बार देखिए, ड्राइव करते हैं। ये हमारा बीम सिंपली सपोर्टेड बीम है, रिएक्शन यहाँ लगेगा, रिएक्शन यहाँ भी लगेगा और यूनिफॉर्म लोडिंग डब्ल्यू के जी एफ और यूनिट लेंथ मान लेते हैं मीटर। तो ये आर ए है, ये आर बी है, एक बीच में पॉइंट सी मान लेते हैं, मिड पॉइंट सी। तो टोटल लोड कैसे निकलता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का रेट मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, टोटल लेंथ एल मान लेते हैं, एल है तो टोटल लेड कितना हो जाएगा लोड? टोटल लोड हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एल, बट सिमेट्री के चलते आर ए और आर बी दोनों की वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू एल बाई टू। सिमिलरली एक्सेप्शन कंसिडर करेंगे हम लोग यहाँ पे एक्स एक्स, जिसकी डिस्टेंस इस एंड से बी एंड से एक्स यूनिट है, तो सबसे पहले लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के चलते डब्ल्यू इंटू एक्स ये हो जाएगा लोड, डाउनवर्ड होगा हॉकिंग देगा तो इसलिए ये नेगेटिव है, और ये सेक्शन एक्स एक्स से सेक्शन एक्स एक्स से एक्स बाई टू डिस्टेंस से काम कर रहा होगा, तो ये और प्लस में आर बी इंटू डिस्टेंस एक्स ये हमारा होगा। थोड़ा सा इसको हम अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, एम एक्स एक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस आर बी की वैल्यू कितनी है डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एक्स। तो हमारा जो वेरिएशन होगा सेकेंड ऑर्डर का है, मतलब पैराबोलिक कह सकते हैं, पैराबोलिक। ओके okay?
Now, हमने कहा है मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट मतलब एट सी एक्स बराबर एल बाई टू, एल बाई टू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट माइनस में ये माइनस में है प्लस आर बी डब्ल्यू एल बाई टू, इसमें एल बाई टू रखते हैं तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर घटा देंगे, दो से दो से गुणा कर देंगे इसमें ऊपर नीचे, तो ये एट हो जाएगा, टू में से बन जाएगा तो वन, मतलब प्लस में बचेगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट मिड पॉइंट पे मोमेंट, पेंडिंग मोमेंट, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। किस ऑप्शन में है ये, सिंपली से पोटर कर यूनिफॉर्म स्पीड लोड ऑफ शीयर फोर्स एट द सेंटर, शीयर फोर्स पूछ रहा है, बहुत अच्छे, हम लोग निकाले हैं बेंडिंग मोमेंट, शीयर फोर्स देख लेते हैं जी, मैं एक वेरिएशन बता रहा हूँ उसको याद रखना है, ठीक है। शीयर फोर्स एट सेक्शन एक्स क्या होगा, इस सेक्शन के इधर जो भी फोर्सेस हैं उनको जोड़ लेंगे, साइन कन्वेंशन याद है आपको, ये होता है पॉजिटिव, बाकी कोई है तो नेगेटिव, सेक्शन के दाएं तरफ नीचे है तो पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव यूडीएल के चलते, कितना होगा यूडीएल के चलते लोड डब्ल्यू डॉट एक्स, और ये पॉजिटिव होगा और आर बी जो होगा अपवर्ड है दाहिने साइड, ये नेगेटिव होगा का मतलब माइनस आर बी, ओके इसमें एक्स से गुणा करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये खुद ही लोड है, इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एक्स माइनस आर बी की वैल्यू कितनी है डब्ल्यू एल वाई टू, ओके नाउ हमें निकालना है ठीक मिड पॉइंट पे एट एक्स बराबर एल वाई टू का मतलब एट सी, सी भी क्या है एक्स बराबर एल बाई टू, तो एस एक्स कितना होगा डब्ल्यू ही हो जाएगा ना, सी पॉइंट पे सी एयर फोर्स डब्ल्यू एक्स की जगह पे एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, ये तो जीरो हो गया, सही ऑप्शन है जीरो, किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन सी, ये शीयर फोर्स पूछा था तो जीरो होगा, अगर बेंडिंग मोमेंट पूछता तो ऑप्शन ए होता, पर इस क्वेश्चन में बेंडिंग मोमेंट नहीं पूछा है इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब होगा, ओके नेक्स्ट, इन केस ऑफ कैंटिलीवर इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ लोडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम शेयर फोर्स अकर एट 15 फ्री एंड मिडिल एनी पॉइंट, इस सवाल का सही ऑप्शन होगा 15, देखिए बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स क्या है, ये कोई बीम है कैंटिलीवर, यहाँ पे कोई लोड लग रहा है, कहीं भी कोई लोड लग रहा है, तो
तो बेंडिंग मोमेंट है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस टू बेंड, यहाँ तो फ्री है, बेंड हो जाएगा, पर यहाँ फ्री नहीं है, तो रेजिस्टेंस पैदा करेगा, हमेशा ही पैदा करेगा। और शियर फोर्स क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस टू शियर। तो यहाँ तो फ्री है, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड है, तो यहाँ पे जरूर शियर फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस पैदा होगा। इसीलिए हमेशा फिक्स्ड इन पे मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस यहीं पैदा होता है, क्योंकि फिक्स्ड होता है, बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑलवेज, शियर फोर्स ऑलवेज अकर एट द फिक्स्ड एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम। नेक्स्ट, द बेंडिंग मोमेंट ऑन ए सेक्शन इज मैक्सिमम वेयर शियरिंग फोर्स इज। तो हमने पीछे एक सवाल बनाया था, उसमें देखा था हमने कि जिस पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू जीरो होती है, वहाँ पे या तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। तो मैक्सिमम का केस भी वही है जहाँ शियर फोर्स जीरो होता है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। इस लेक्चर से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो स्वागत है, और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छे से पढ़ते रहें, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड